हाय गाइस, आप लोगों को पता है कि मेरा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया। तो बहुत पहले से सोच रहे थे कि ब्लॉग वीडियो बनाएंगे, तो सोचा कि जब एक 1K कंप्लीट हो जाएगा तभी तो ब्लॉग शुरू करेंगे। तो आज मेरा पहला ब्लॉग है, तो आज आप लोगों को ब्लॉग में दिखाएंगे कि मोमबत्ती कैसे बनाते हैं। तो चलिए आगे दिखाते हैं मोमबत्ती कैसे बनते हैं। ये है पैराफिन वैक्स, इससे ही मोमबत्ती बनते हैं। ये जो आपको सफ़ेद रंग का पैकेट दिखाई दे रहा है, ये 25 केजी का है। एक पार बैग में 25 केजी रहता है और इसको पैराफिन वैक्स कहते हैं। इससे ही मोमबत्ती बनता है। तो आगे आप लोगों को दिखाते हैं मोमबत्ती कैसे बनते हैं। चलिए, जहाँ हम लोग इसको गलाते हैं आग में, चूल्हा में, वही ले चलते हैं। पैराफिन वैक्स, ये एक बोरा खोल दिया है, ऐसे रहते हैं पैराफिन वैक्स। ये है पैराफिन वैक्स, ये तो इसको हम अभी ऐसे करके कढ़ाई में देते हैं। अभी कढ़ाई फुल है, जगह भी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने के लिए दे रहा है। और इससे ही गल के ये पानी जैसे लगता है। आप लोगों को लगेगा कि ये पानी है, ये पानी नहीं है, ये पैराफिन वैक्स है। कढ़ाई में जब देते हैं ये गल जाता है, गल के ये पानी जैसा हो जाता है। तो आप लोग ऐसा मत सोचिए कि ये पानी है, ये पानी नहीं है, पैराफिन वैक्स है। तो चलिए लेते हैं मोमबत्ती बनाने के लिए। अभी तो सिर्फ दिखाना ही है, इसलिए तो ज्यादा नहीं लिया है, थोड़ा सा ही लिया हूं। देखिए, तो गाइस देखिए, ये कैंडल का डाइज है। तो इसको बनाने से पहले इसमें थोड़ा तेल लगाना पड़ता है। तेल लगाने से क्या होता है, इसमें मोमबत्ती चिपकेगा नहीं। तो ये तेल लगाना खत्म। अब इसको धागा लगाते हैं। अगर तेल ठीक से नहीं लगाएंगे तो मोमबत्ती इसके अंदर चिपक जाएगा, नहीं खुलेगा और टूटने का भी खतरा है। तो इसलिए अच्छे से तेल लगाना पड़ता है। देखिए इधर गाइस, ये है धागा, धागा लगाते हैं और देते हैं आप लोगों को, दिखाते हैं ये कैसे लगाते हैं। इसे अभी देखिए, लगभग धागा लग गया है और थोड़ा सा बाकी है। हाँ, अभी कंप्लीट हो गया। तो इसको यहाँ खत्म हो गया, इसको जगह में रख देते हैं। और अभी जो देखिए, इधर दो पार्ट है, इसको एक जगह पे करना है और एक चाबी है, चाबी को ऐसे घुमाना है, फिर इसको थोड़ा सा टाइट करना है। अभी टाइट हो गया। तो देखिए, अभी पैराफिन वैक्स इसमें दे देते हैं। देखिए, ये पानी जैसा है लेकिन ये पानी नहीं है, ये पैराफिन वैक्स है। ये गल के पानी जैसा हो गया, अभी इसमें डाल देते हैं। देखिएगा, 2 मिनट के अंदर मोमबत्ती बन जाएगा। देखिए, ये बड़ा है मशीन, 30 रुपया वाला, तो इसमें ज़्यादा चाहिए, जितना चाहिए उतना तो देना पड़ेगा, नहीं तो कैंडल का शेप अच्छा नहीं होगा। देखिए, बहुत देना पड़ता है इसमें। हाँ, हो गया, अभी बस हो जाएगा। हाँ, अभी थोड़ा देखिए, ऊपर से जो मोमबत्ती का धागा है वो 2 पार्ट का रहता है। जो ऊपरी हिस्सा है इसको इस तरह से काटना पड़ता है। ये काट दिया मैं, आप लोगों ने देखा है, काट दिया। अभी बस तैयार हो ही जाएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो ये हो गया, आप देखिएगा, ये हो गया। अभी से बस खोलना बाकी है, खोल देंगे अभी। तो तैयार हो गया, अभी खोल के आपको दिखा देते हैं। हो गया मोमबत्ती, इधर देखिए, डाइस को खोल दिया और ये हो गया मोमबत्ती आपका। देखिए, मोमबत्ती हो गया, देखिए इसी तरह से मोमबत्ती बहुत सुंदर हुआ। आप लोगों की कृपा था इसलिए बहुत अच्छा हुआ, ये मोमबत्ती बहुत सुंदर हुआ। हाँ, देखिए, डाइस में जितना था उतना मोमबत्ती पूरा ले लिया। अभी ये देखिए, 2 मोमबत्ती एक साथ रहता है, बस इसको बीच में अभी काटना है। देखिए, काट देते हैं इसको, काट लेते हैं। इधर देखिए, तैयार, देखिए इसी तरह से
कर लिया। और ये हो गया आपका नंबर 3, देखिए तैयार। यहाँ पे रख देते हैं, देखिए हो गया पूरा, देखिए देखिए बन के तैयार हो गया। देखिए बस इतना ही, मोमबत्ती कैसे बनता है ये आपको दिखा दिया। ये बड़ा वाला मोमबत्ती है। कल अगली वीडियो में आप लोगों को नया कुछ दिखने को मिलेगा। आशा करते हैं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा।